तो दोस्तों मैं इंस्टेंटली 2 मिनट में बनने वाला कुरकुरे पनीर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखने में आगे पीछे आप देख सकते हो कितना करारे करारे है और अंदर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। जो भी खाएगा पहली बार में दिल ललचाएगा और बार बार आप इसे ही बनाओगे। कच्ची अमिया की चटनी के साथ सर्व कीजिए, केचप के साथ, मयो डिप के साथ आप खाइए। जिसके साथ भी खाएंगे उसके साथ आपको ये अच्छा लगेगा। एक बार मैं तोड़ के दिखा दे रही हूँ, ये देखिए कितना प्यारा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया सा लग रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए इसको आप इसके साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया सुपर सुपर डिलीशियस लगेगा दोस्तों। तो चलिए बिना बात देरी किए हुए हम ये रेसिपी बनाते हैं फटाफट से। तो आप लोग कैसे हो, उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं इवनिंग स्नैक लेके आई हूँ पनीर से। पनीर कुरकुरा बहुत ही इंस्टेंट है और खाने में एकदम लाजवाब है दोस्तों। बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर से है, इसको मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। साथ ही साथ इसके साथ हम एक मयो डिप बनाएंगे खाने के लिए वेजिस दे के, वो भी बहुत सुपर और यम्मी है, इंस्टेंटली है, बन जाता है। और शाम में अगर आपको कुछ डिफरेंट फ्लेवर का पनीर की डिफरेंट फ्लेवर की कोई रेसिपी खाने की इच्छा हो रही है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एकदम डिफरेंट फ्लेवर वाली है, आपका दिल जीत लेगा। तो चलिए इंस्टेंटली इसे बनाते हैं और अगर बनाने के बाद आपको इसका फ्लेवर और ये रेसिपी अच्छी लग जाए तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अच्छी अच्छी और इंस्टेंट रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम जो पनीर है, पनीर में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, पानी टाइप का रहता है, तो उसको हम पहले क्लीन क्लोथ से वॉश कर लेंगे क्योंकि इसमें हम नमक ऐड करेंगे, फ्लेवर ऐड करेंगे तो नमक देने के बाद इसमें पहले ही पानी छूट जाएगा। तो इसका जो मॉइस्चर है उसको हम अच्छे से इस कॉटन वाले कपड़े से, मैंने यहाँ पे गमछा लिया है, आप कुछ भी कॉटन वाला साफ़ सुथरा कपड़ा ले सकते हो और चारों तरफ से अलट पलट के इसका जो पानी है एक्सेस उसको पोंछ लीजिए। ये लीजिए दोस्तों इसका एक्सेस पानी, आप देख सकते हो बढ़िया से हमने चारों तरफ पोंछ लिया है, थाली में जो था उसको भी पोंछ लिया है। तो पनीर के पीसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसा भी काट सकते हो, जैसा आपको पसंद है, बड़ा छोटा मोटा लंबा जैसा भी आपको पसंद है, तो स्क्वायर शेप में जैसा भी आपको पसंद है। तो इसको मैं अपने हिसाब से काट रही हूँ लंबा लंबा करके। तो दोस्तों देखिए इसको इस तरह से मैंने काट लिया है, आप देख सकते हो ऐसे करके। इसको आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन घर की पनीर है इसीलिए हम इसे कंजूसी टाइप करके नहीं काटेंगे, इतना लंबा लंबा ही मैं रहने दूंगी दोस्तों, बिल्कुल ऐसे करके ही रहने दूंगी। और एकदम ड्राई है क्योंकि हमने इसका मॉइस्चर जो होता है दोस्तों वो एकदम हमने सुखा लिया था कॉटन कपड़े से। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे तो थोड़ा सा पानी छूटेगा। पहले हम इसको क्रिस्पी करने से पहले इसमें इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, फ्लेवर ऐड करेंगे दोस्तों, ताकि जो भी मसाले हैं इसके अंदर तक, पनीर के अंदर तक कोड हो जाए और उसका जो फ्लेवर आएगा दोस्तों बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही चटपटा आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हींग डालेंगे। तो हींग देने से क्या होगा दोस्तों कि ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और थोड़ा सा बढ़िया सा टेस्ट भी आएगा। अब साथ ही साथ हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर 1/4 करीब हम इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे दोस्तों। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे चाट मसाला दोस्तों, यहाँ पे 1/4 करीब हम यहाँ पे चाट मसाला भी ऐड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम टर्मरिक पाउडर डालेंगे दोस्तों, तो टर्मरिक पाउडर भी हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम सॉल्ट देंगे, ये सफ़ेद सॉल्ट है, चाट मसाला में भी सॉल्ट होता है दोस्तों, इसीलिए जो सॉल्ट है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट का भी, ब्लैक सॉल्ट और जो सफ़ेद सॉल्ट है उसके कॉम्बिनेशन से ये रेसिपी बहुत बढ़िया बनेगी, तो ब्लैक सॉल्ट भी हमने इसमें दे दिया है। तो दोस्तों मसाला सारे पनीर पर हम ऐसे हल्के हाथों से कोट करेंगे उल्टा उल्टा के, बहुत सॉफ्टली आप इसे
मिलाइएगा, क्योंकि पनीर जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है तो क्या होगा, टूटने का चांस रहेगा। तो इसीलिए अच्छे से अलट पलट करके थोड़ा सा हम मिला देते हैं चारों तरफ। ये दोस्तों पनीर पे हमने अच्छी तरह से मसाला कोट कर दिया है, इसको हम अलग रख देते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। एक बॉल हमने ले लिया है दोस्तों, अब यहाँ पे हम बेसन डालेंगे। तो लगभग मैं यहाँ पे बिना नापे हुए ही बता रही हूँ, एक कटोरी के आसपास यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से टर्मरिक पाउडर डालेंगे, साथ ही साथ रेड चिली पाउडर डालेंगे। स्पाइसनेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हो दोस्तों। अब हम यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे दोस्तों, ये देखिए 1/4 करीब हमने इसमें गरम मसाला दिया है, गरम मसाला से फ्लेवर अच्छा आता है। साथ ही साथ यहाँ पे फिर से हम चाट मसाला देंगे, फ्लेवर अच्छा आएगा। और यहाँ पे अजवाइन दे रही हूँ, अजवाइन साबुत आप हाथों से क्रश करके दे सकते हो, लेकिन ये अजवाइन नहीं, अजवाइन साबुत अजवाइन नहीं है दोस्तों, देख सकते हो नज़दीक से दिखा रही हूँ, अजवाइन का ये पाउडर है, इसको मैंने पाउडर करके शीशी में रखा है। बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ है, कभी कभार बच्चों को अगर गैस हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा काला नमक दे के गुनगुने पानी से देंगे तो वो आराम से पी भी लेते हैं पानी, और गैस की समस्या भी दूर हो जाती है, बड़े भी इसे खा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने कुछ और पाउडर दिया है, बाद में मैं आपके साथ ये चूर्ण की रेसिपी शेयर कर दूंगी। हम यहाँ पे दोस्तों दो बारीक कटा हुआ मिर्ची है, मिर्ची मैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब हम यहाँ पे बहुत बारीक कटा हुआ अदरक है, अदरक भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम यहाँ पे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे दोस्तों, तो नमक आपको जैसा पसंद है उस अनुसार आप सॉल्टी ऐड कीजिएगा, क्योंकि नमक हमने उसमें भी पनीर में भी कोट किया था और चाट मसाले में भी होता है, तो केयरफुली दीजिएगा, ज़्यादा नमकीन ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1/4 करीब नमक ऐड किया है, या उससे भी थोड़ा सा कम दिया है, क्योंकि चाट मसाले में भी होता है। आप टेस्ट करके स्लरी जब बनाएंगे ना, तो हाथों पे थोड़ा सा लेके आप टेस्ट कर लीजिएगा, जैसा नमक आपको पसंद है वैसा ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बारीक कटा हुआ कोरिएंडर लीव दे देते हैं, इसकी तो बात ही निराली है दोस्तों। हम यहाँ पे एकाएक पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, क्योंकि बैटर को ना ज़्यादा गीला बनाना है ना ज़्यादा पतला, एकदम मीडियम बनाना है, जैसे हम पकौड़े चॉप वगैरह ब्रेड पकौड़ा सब बनता है ना, उस तरह हम इस स्लरी को तैयार करेंगे दोस्तों। तो पानी आप धीरे धीरे एकाएक मत दीजिएगा, धीरे धीरे करके डाल के इसको स्लरी का फॉर्म में हम इसको घोल लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने इस स्लरी घोल के रेडी कर लिया है, एकदम कोर कंसिस्टेंसी है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, एकदम कोर कंसिस्टेंसी है, इसी तरह से इसका बैटर हमें रेडी करना है। लीजिए दोस्तों, बेसन पनीर पे चला गया है, चम्मच की सहायता से जिस जिस पनीर पे नहीं गया है बेसन उधर हम दे देते हैं, ये देखिए इधर इधर से हल्के हाथों से पनीर ना टूटे आपका डाल दीजिएगा, ये देखिए बढ़िया से जहाँ जहाँ छूटा हुआ है उधर हम इस तरह से कोट कर देंगे। दोस्तों ये कॉर्नफ्लेक्स है, ये पनीर पे कोड होगा कुरकुरे पनीर बनने के लिए, तो इसको ना हाथों से महीन बारीक करके चूरा चूरा करना है, ज़्यादा मोटे पीसेस रहेंगे इसके तो ये पनीर पे अच्छी तरह से कोट नहीं होंगे। ये ना मोटा ना पतला, एकदम बीच में हमने इसको चूरा चूरा कर लिया है, इसको साइड कर देते हैं। तो हमारे थाली में मसाला लगे हुए थे और जो बेसन में बढ़िया से मसाला था, बढ़िया से पनीर पे कोट हो गया है, एक एक पनीर करके स्लोली स्लोली करके हम उठा लेते हैं इसको, ताकि ये टूटे नहीं। अगर पनीर पे बेसन नहीं लगाया है तो चारों तरफ आप घुमा के बढ़िया से लगा लीजिए, और एक्सेस ज़्यादा मोटा लेयर नहीं होना चाहिए पर बेसन का, स्लरी का ज़्यादा मोटा लेयर नहीं रखें इसमें पनीर में, अगर एक्सेस हो किसी पनीर पे स्लरी तो उसको आप ऐसे करके झटक के निकाल सकते हो, उसके बाद हम इसमें बढ़िया से कोट करेंगे। दोस्तों चारों तरफ से अच्छे से पनीर कोट हो गया है, घुमा घुमा के बढ़िया से इसको हम, ये देखिए बढ़िया से इसको हमने कोट कर लिया है चारों तरफ, अच्छे
से कोड हो जाने के बाद लास्ट में आप क्या कीजिएगा, ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसको हल्का हाथों से पिंच कर दीजिएगा ताकि जितने भी कॉर्नफ्लेक्स है इसमें बढ़िया से लग जाए। ये देखिए हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिएगा। सॉरी दोस्तों, ये देखिए अच्छे से ये चिपक जाएगा। इसमें के पास आ गए हैं तो गैस को लो टू मीडियम कर दिया है और बहुत स्लोली स्लोली करके हम इसमें डालेंगे दोस्तों, बहुत ही केयरफुली डालेंगे। ये देखिए बढ़िया से इसको, और एक बैच में कम ही तलें, और इसको लो टू मीडियम पे अगर आप करोगे ना तो बढ़िया से एकदम सॉफ्ट होगा अंदर और बाहर एकदम क्रिस्पी करारे होगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसको स्लोली करके क्या मस्त दिख रहा है ना दोस्तों। ये देखिए एकदम क्रिस्पी करारे। ये देखिए दोस्तों, इसको टिश्यू पेपर पे हमने निकाल दिया है। इतनी कुरकुरे इतनी करारे हैं कि आप पनीर की सारी रेसिपी फेल हो जाएगी इस रेसिपी के सामने। इतना कुरकुरा और अंदर से इतना सॉफ्ट है दोस्तों कि बार बार आप स्नैक में टी टाइम पे यही बनाएंगे। तो एक बॉल ले लेंगे, अब हम वेज मयो डिप बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो भी सब्जी है इस समय घर में अवेलेबल है मैं उसी से बना रही हूँ। तो यहाँ बहुत बारीक कटा हुआ टमाटर ले लिया है, बहुत बारीक कटी हुई मैंने खीरा ले ली है। खीरा को पहले देख लीजिएगा सीता वगैरह सब ना हो। और यहाँ पे बहुत बारीक कटा हुआ गाजर ले लिया है। ऑनियन आपके पास होगा प्याज तो आप डाल दीजिएगा, मेरे पास इस समय प्याज नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। जो भी वेजीज मेरे पास इस समय घर में अवेलेबल था उसी से मैं बना रही हूँ, लेकिन आप प्याज डाल लीजिएगा। अब हम इसमें मयो डालेंगे दोस्तों, यहाँ डॉक्टर ओटकर का मयो है, वेज मयो। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दोस्तों, भरपूर मात्रा में, कंजूसी मत कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। तो मयो काफ़ी मात्रा में देने के बाद अब हम इसमें कोरिएंडर लीफ डालेंगे, फ्रेश, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। साथ ही साथ इसमें हम ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक सॉल्ट मैं दे रही हूँ। साथ ही साथ इसमें हम चाट मसाला भी, टेस्ट इनहेल्स होता है तो चाट मसाला भी दे रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा कड़क बनाने के लिए दो मिर्ची बारीक कटी हुई थी इसको भी दे दिया है। अब इन सब को हम अच्छे से मिला लेते हैं दोस्तों, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों, इंस्टेंटली है। इसको आप रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही सुपर डिलीशियस लगता है। या फिर इसका स्टफिंग करके आप सैंडविच वगैरह से भी बना सकते हो। करने के लिए सब कुछ रेडी है तो अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं दोस्तों। ये देखिए कितना क्रिस्पी करारे एकदम ऊपर से क्रिस्पी और एकदम कड़क है जो भी फ्लेवर हमने इसमें ऐड किया है। साथ ही साथ अंदर से इतना सॉफ्ट है कि इसको सब इंजॉय करेंगे। इसे आप कभी भी बना सकते हो, बनाने में कोई झंझट नहीं है दोस्तों। अब इसे बढ़िया से हम इसको प्लेटिंग कर लेते हैं दोस्तों, एक एक करके। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो दोस्तों, मैं नजदीक से भी दिखा दे रही हूँ। एकदम बढ़िया से कोडिंग हुआ है, स्लरी इसकी पतली लगानी है। ये देखिए तो ये बढ़िया से कोडअप हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ से घूम घूम के आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए खाने में आनंद आ जाएगा क्योंकि फ्लेवर हमने बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त इसमें ऐड किया है दोस्तों। ये देखिए केचप के साथ भी खा सकते हो, लेकिन चूंकि अभी कच्ची आमिया का मौसम है, सीजन है, तो इसकी चटपटी चटनी बनाई है दोस्तों। इसमें लहसुन अदरक भुना हुआ जीरा भुना हुआ सूखी मिर्ची लाल मिर्ची जो होती है लहसुन भुना हुआ जो भी इसमें फ्लेवर ऐड किया है बहुत टेस्टी है। इन सारे चीज़ों को और पुदीना हरी और हरी हुई धनिया पत्ता और कच्ची आमिया को मिला के चटपटा सा इसे चटनी बनाया है। इसके साथ अगर आप टेस्ट करोगे ना वो मत पूछिए, डिफरेंट फ्लेवर है दोस्तों इसका, और इसका कॉम्बिनेशन एकदम बढ़िया बैठने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने मयो डिप बनाया है, वो भी बहुत बढ़िया है। इसके साथ भी आप खा सकते हो, केचप के साथ भी खा सकते हो। लीजिए दोस्तों, आपकी कुरकुरे पनीर बनके रेडी हो गई है, अलग चटाकेदार फ्लेवर के साथ। अंदर सॉफ्ट है और ऊपर क्रिस्पी है। इसे आप टी टाइम स्नैक पे बनाइए, बहुत ही जल्दी इंस्टेंट बन जाता है। पार्टी टाइम में बनाइए, लंच में ले जाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों।
कोई भी ओकेजन पे आप इसे झटपट बना के पूरे फैमिली गेस्ट का दिल जीत सकते हो। और उसके साथ अभी चटपटी कच्ची अमिया की चटनी डिफरेंट फ्लेवर के साथ, साथ ही साथ वेज मयो डिप के साथ आप बनाइए। किसी की के साथ भी आप इसे केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है बिना तामझाम का। देखने में तो देख ही सकते हो बिल्कुल कितना ज़बरदस्त लग रहा है। रेसिपी फ्लेवर अगर अच्छा लगेगा तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। तो जब तक ऐसे ही प्यारी और इंस्टेंट रेसिपी से मिलती हूँ, तब तक आप खुश रहिए, आवाज रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी इस प्यारी सी दोस्त को ये प्यारी सी रेसिपी खा के अपने दोस्त को याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।